नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बन चुका है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, अक्सर लोगों की एक समस्या बनी रहती है, या फिर लोग अक्सर मुझसे कॉल पर कंसल्ट करके ये बात पूछते हैं कि सर, हमारे दादा परदादा ने, हमारे पिताजी ने किसी को प्रॉपर्टी रहने के लिए दे दी थी। ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति आज उठकर क्या प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिकाना पा सकता है? या फिर अगर कोई व्यक्ति हमारा दादा परदादा पिताजी के समय से एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रहता आ रहा है, तो क्या वहां पर उसे प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिकाना मिल सकता है? बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो इसी टॉपिक पर है कि क्या 40 साल, 50 साल निरंतर कोई कब्जे पर है और ये चीज आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उन लोगों का कब्जा है, तो क्या इसके बावजूद ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर उन लोगों को बाहर किया जा सके और मालिकाना हक अपने पास ही रखा जा सके? अब दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं यहां पर आप लोगों को विद प्रोविजन एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर भी वही सेम फैक्ट्स बने थे कि दादा परदादा के समय से, पूर्वजों के समय से कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी पर रहते आ रहा था, चाहे वहां पर उन लोगों ने खुद उनको अलाउड किया था, सिचुएशन कुछ और थी, ये बाद की बात है, बट फैक्ट्स इसी तरीके से उस जजमेंट के अंदर बन रहे थे। तो यही जजमेंट मैं आज यहां पर आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2018 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अलावा दोस्तों, अब अक्सर लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, आप तो एडवर्स पोजेशन के ऊपर बहुत वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्स पोजेशन का मतलब केवल प्रतिकूल कब्जा ही नहीं होता, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो केस ही नहीं करने पड़ते। लोग सीधा समझ जाते कि भाई इस आर्टिकल 65 में ये कानून है और हम मालिक हैं, आप नहीं है। जी नहीं, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। उसी चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तमाम जजमेंट्स पास करते हैं, जो मैं यहां पर आप लोगों के लिए सरल हिंदी भाषा में आकर समझाता हूं। इसीलिए यहां पर हम कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर बहुत वीडियोस बनाते हैं ताकि आपका वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप और ज्यादा वहां पर कंसेप्चुअल क्लियर हो सके। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दी जाए। जी हाँ, आज शाम ठीक 5 बजे में अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहा हूं, जहां पर हम वुमेन राइट्स इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, ये जो लैंडमार्क जजमेंट पास की थी जहां पर महिलाओं के संपत्ति के अंदर अधिकार को लेकर बात की गई है, इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको दिखाई देगा आई एम लाइव ऑन अन अकेडमी, उसके आगे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप शाम को ठीक 5 बजे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि एडवर्स पोजेशन लॉ होता क्या है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है। देखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ हमारे लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 एंड सेक्शन 27 में डायरेक्टली डिफाइन किया गया है। अगर सरल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक है जिसकी प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जहां पर जो दूसरा व्यक्ति है जिसका कब्जा है उसका कोई उस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट नहीं बनता, इसके बावजूद वो वहां पर लगातार 12 सालों तक तो कब्जा करके बैठ जाता है, या फिर इन 12 सालों के भीतर संपत्ति का रियल ओनर उसको कब्जे से बाहर निकालने के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो 12 साल पूरे हो जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है वो उसको प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट उस प्रॉपर्टी के ओनर को वहां पर रोक देगा, बाढ़ कर देगा। इसी को दोस्तों प्रतिकूल कब्जा कानून या जिसे हम इंग्लिश में एडवर्स पोजेशन लॉ कहते हैं कहा जाता है। अब दोस्तों, हो सकता है आप पहले से ही जानते हो कि एडवर्स पोजेशन लॉ होता क्या है, पर आपको बता दूं कि केवल कब्जा कर लेने से कोई भी मालिक नहीं बन जाता, चाहे उसका 100 सालों से ही कब्जा क्यों ना हो। देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात करी, चाहे उनका 100 सालों से कब्जा ही क्यों ना हो वो तब भी मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर एस्टेब्लिश करने जरूरी हो जाते हैं। कौन कौन से?
पहला आता है ओपन एंड नोटोरियस पोजेशन, यानी कि जो वहां पर कब्जा किया गया है वो पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए और नोटोरियस होना चाहिए। नोटोरियस होने का मतलब पीसफुली होना चाहिए, पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है फिजिकल पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी पर कब्जाधारी है उसने उस प्रॉपर्टी पर जाकर फिजिकली कब्जा कर रखा हो, ना कि ये हो कि केवल ताला लगा दिया और साल दो साल छह महीने में एक महीने में आकर देख जाता है। जी नहीं, फिजिकली पोजेशन वहां पर होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है एक्सक्लूसिव पोजेशन। एक्सक्लूसिव मतलब दोस्तों, जो प्रॉपर्टी पर पोजेशन किया है उस कब्जाधारी ने अकेले कर रखा हो, ऐसा नहीं तीन चार ओनर्स को लेकर आया हुआ है, सब लोग अलग अलग प्रॉपर्टी पर कब्जा करके सब अपना अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। जी नहीं, एक्सक्लूसिव पोजेशन में उसका अकेले का पोजेशन दिखाया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है होस्टाइल पोजेशन, यानी कि जो वो कब्जा किया गया है वो प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में जाकर हो, उसके अगेंस्ट में जाकर हो, ना कि उसकी परमिशन से वो रह रहा हो। अब दोस्तों इसको हम अपनी आज की वीडियो से रिलेट करते हैं। देखिए, कई बार देखा जाता था जैसे हमारे दादा परदादा होते थे, उनके पास ढेर सारी जमीन होती थी, ऐसी कंडीशन में वो किसी को अलाउड कर देते थे, चलिए आप यहां पर रह ले, कोई दिक्कत नहीं, आप गरीब लोग हैं। ऐसी कंडीशन में वो लोग 12 साल बाद उठकर प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिकाना के लिए क्लेम कर देते, या फिर वो लोग आज भी उस प्रॉपर्टी पर रहते आ रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने इनके दी थी। तो क्या ये प्रतिकूल कब्जा कानून माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? अब इस चीज को मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ केस टाइटल डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आप इस जजमेंट को बड़ी इजीली डाउनलोड कर सकें गूगल से। देखिएगा, यहां पर आपको केस टाइटल पूरा दिखाई देगा। देखिए, जजमेंट का नाम था राम नगीना राय वर्सेस दियो कुमार राय, सिविल अपील नंबर थी इसकी 7266 ऑफ 2013, और ये जो जजमेंट पास की गई थी 23 अगस्त 2018 को जजमेंट पास की गई थी। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के साथ केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट में क्या चीज कही थी ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, जो प्रेजेंट केस के फैक्ट्स हैं, यहां पर जो प्लेंटिफ है उसका कहना है कि एक पर्टिकुलर लैंड है उसकी ओनरशिप उसके फेवर में है, क्योंकि वो उनकी पूर्वजों की जमीन है। ऐसी कंडीशन में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इनके फेवर में है, पर जो इस पर्टिकुलर लैंड पर डिफेंडेंट है वो पोजेशन करके बैठा है और उसने धोखे से खतियान के अंदर अपना नाम भी चढ़वा लिया है। अब दोस्तों जो खतियान के अंदर अपना नाम चढ़वाया गया वो लगभग लगभग 1970 के आसपास चढ़वाया गया। प्लेंटिफ का कहना था कि जो उनके पूर्वज थे उन्होंने डिफेंडेंट को यहां पर रहने के लिए अलाउड कर दिया था, जिसके बाद उसकी फैमिली यहां पर लगातार रहती आ रही थी, पर 1970 में उन्होंने चीटिंग करते हुए खतियान में अपना नाम चढ़वा लिया। अब ऐसी कंडीशन में जब प्लेंटिफ ने उस सूट को दाखिल किया तो वो ऑटोमेटिकली 19 साल लेट हो चुका था, यानी कि साल 1989 के आसपास ये सूट दाखिल किया, जिसके तहत ये देखा गया कि जो लिमिटेशन टाइम है वो तो 12 साल होता है और उसने वहां पर 19 साल बाद इस केस को फाइल किया था। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के फैक्ट्स यही थे। अब देखने वाली बात यहां पर बहुत चीज है। पहली चीज कि यहां पर उनके एंसेस्टर्स ने अलाउड किया था रहने के लिए, यानी कि परमिसिव पोजेशन हो गया, बट दूसरी देखने वाली बात यह है कि खतियान में नाम चढ़वा लिया, यानी कि खतियान में नाम चढ़वाने का मतलब प्रॉपर्टी का पोजेशन वहां पर एडवर्स हो गया, वो उसके अगेंस्ट में चले गए रियल ओनर के, और ऐसी कंडीशन में जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर थे उन्होंने 19 साल बाद एक्शन लिया, यानी कि लिमिटेशन टाइम के एक्सीड होने के बाद फैसला किया। अब देखिएगा कोर्ट ने यहां पर अपने फैसले के अंदर क्या कहा था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैटर जब मुंसिफ कोर्ट के सामने गया तो वहां पर उन्होंने डिफेंडेंट की प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि यहां पर यह चीज पाई कि ये तो परमिसिव पोजेशन है तो यहां पर यह एडवर्स पोजेशन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। बाद में जब यहां पर जो डिफेंडेंट थे वो अपील में पहुंचे अपीलियट कोर्ट के पास, तो उन्होंने ये चीज पाई कि हाँ, यहां पर देखने वाली बात यह है कि उन्होंने खतियान में अपना नाम चढ़वा लिया, तो ऐसी कंडीशन में 12 साल के भीतर एक्शन लेना चाहिए था प्लेंटिव को, पर उसने नहीं लिया, तो ऐसी कंडीशन से एडवर्स पोजेशन की ओनरशिप उनके फेवर में आ जाती है, किसके, डिफेंडेंट के फेवर में। अब दोस्तों इसी तरीके से मैटर आगे हाई कोर्ट में गया और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना है, क्योंकि वही लैंडमार्क जजमेंट बनती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की, नेकवी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो, और ये जो तीन टर्म्स है मैं आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि जो कब्जा है वो कंटिन्यू होना चाहिए, पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए और रियल ओनर के एडवर्स में होना चाहिए। तो प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स है वहां पर जब कब्जा स्टार्ट किया गया जिस डेट से, वो ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि जो 12 साल का टाइम पीरियड है वो उसी दिन से स्टार्ट होगा जब से वो कब्जा प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में हो रहा है। दोबारा से सुन ले, 12 साल का जो टाइम पीरियड है वो उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से वो कब्जा रियल ओनर के एडवर्स में हो जाता है, ना कि परमिशन से रहता है।
इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज कही कि यहां पर यह बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर आएगा, यानी कि जो कब्जे के तहत अपना मालिकाना पाना चाहता है उसके ऊपर, कि कोर्ट में यह साबित करे कि ये जो पूरी प्लेस है, पूरी ओनरशिप है, वो नेक वी, नेक क्लेम और नेक प्रिकैरियो के अंदर है, यानी कि प्रॉपर्टी की रियल ओनर के अगेंस्ट में है, कॉन्टिन्यू 12 सालों तक है और पब्लिक की नॉलेज में है। नॉलेज में क्या है कि उसका वहां पर कब्जा है, ये नॉलेज में नहीं होना चाहिए वो मालिक है, क्योंकि मालिक तो वह ही नहीं। नॉलेज में ये होना चाहिए कि पर्टिकुलर पब्लिक की नॉलेज में ये है कि इस फलाने व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, ताकि ये चीज मानी जाए कि हाँ, जो कब्जाधारी है वो अपनी तरफ से सभी टर्म्स यूज कर रहा था, जो संपत्ति का रियल ओनर है उसी ने वहां पर लापरवाही बरती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखी गई। अब दोस्तों, देखने वाली बात है, करीबन करीबन 50 साल पुराना यहां पर कब्जा हो चुका है। अगर आप कैलकुलेटरी टर्म 1970 से भी कैलकुलेट करें, वैसे तो वो उससे पहले भी वहां पर रहते आ रुकते थे, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने उनको परमिशन दी थी। अब देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस फैसले में क्या क्लियर किया। अब आप डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखिएगा दोस्तों, इट वाज हेल्ड दैट, यानी कि यही पाया गया कि ये जो केस है वहां पर जो प्रॉपर्टी का टाइटल एक्वायर किया जाए बाय एडवर्स पोजेशन के तहत, तो ऐसी कंडीशन में कैसे एक्वायर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने कोई वहां पर एक्शन नहीं लिया, उसने लापरवाही बरती, देख सकते हैं, एसेंशियली बाय डिफॉल्ट और इनएक्शन ऑफ द ओनर। एंड यहां पर एक चीज और क्लियर की कि जो एडवर्स पोजेशन है और सिंपल पोजेशन है, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, और हर तरह का कब्जा एडवर्स पोजेशन नहीं कह सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो डिफेंडेंट है, यानी कि जिनका वहां पर कब्जा है, वो इसको एडवर्स पोजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने, प्लेंटिफ के एंसेस्टर ने उनको परमिशन दे रखी थी रहने की। तो ऐसी कंडीशन में उसको परमिसिव पोजेशन कहा जाएगा, और एक परमिसिव पोजेशन चाहे 50 सालों से हो चाहे 100 सालों से हो, वो एडवर्स पोजेशन नहीं बन सकता। तो इस कंडीशन में अगर यहां पर आप नेक वी, नेक क्लेम एंड नेक प्रिकैरियो दिखाते हैं, तो ये कंसेप्ट वहां पर आपका क्लियर नहीं होता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही चीज की कि ये जो पर्टिकुलर पोजेशन था, ये परमिसिव पोजेशन है, और वो कितने भी लंबे समय से हो, चाहे 50 साल, चाहे 40 साल, चाहे 100 साल, उसको एडवर्स पोजेशन नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों, आप लोगों की जो कंफ्यूजन थी, सर हमारे दादा परदादा के समय से रहते आ रहे हैं, हम लोगों ने अलाउड कर दिया था, पर हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो कब्जाधारी है उसी को साबित करना पड़ेगा कि ये कब्जा एडवर्स में था ना कि परमिशन में। आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज आपको जस्ट परमिसिव पोजेशन कहना पड़ेगा। इवन दो अगर आप एविडेंस भी खड़े कर देते हैं कि हाँ, ये देखिए हमारे नेबर्स और इनको भी पता है, हमारे पूर्वजों ने कहा था इनको रहने के लिए, तो वो पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल बन जाएगा। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव लैंडमार्क जजमेंट की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों, मैं आप ही लोगों के लिए यहां पर एफर्ट्स करता हूं, आप ही लोगों के लिए डेली रिसर्च करता हूं, तो मेरा केवल छोटा सा अनुरोध आप लोगों से रहता है कि वीडियो को लाइक कर दें, अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितने टाइम से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कुछ भी। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कॉल पर कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें,